अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नॉलेज पीडिया की दिलचस्प सवालात की सीरीज़ में खुशामदीद। सवाल नंबर एक, अर्श उठाने वाले फरिश्ते कितने हैं? आपके ऑप्शन हैं ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। सही जवाब है सी 4। सवाल नंबर दो, सबसे पहले ईद उल फितर की इमामत किसने कराई? आपके ऑप्शन हैं ए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, सी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, डी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। सही जवाब है ए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सवाल नंबर तीन, जहन्नुम में कुफार किस जानवर की आवाज़ की तरह रोएंगे? आपके ऑप्शन हैं ए कुत्ता, बी गधा, सी लोमड़ी, डी रीछ। सही जवाब है बी गधा। सवाल नंबर चार, कौन से सहाबी को ख्वाब में अजान सिखाई गई? आपके ऑप्शन हैं ए हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, बी हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, सी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, डी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। सही जवाब है सी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को। सवाल नंबर पाँच, हिसाब कबर किस नबी से शुरू हुआ? आपके ऑप्शन हैं ए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, बी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, सी फिरऔन, डी नमरूद। सही जवाब है बी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से। सवाल नंबर छः, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कितनी बीवियाँ थीं? आपके ऑप्शन हैं ए 1000, बी 500, सी 200, डी 999। सही जवाब है ए 1000। सवाल नंबर सात, इस आकिल बालिग तंदुरुस्त मुसलमान को शराब पीने से सजा नहीं दी जाती? सही जवाब है ये अरबी मुसलमान है जो दारुल हरम में मुसलमान हुआ और उसको शराब की हुरमत का मालूम नहीं था तो उसको सजा नहीं दी जाएगी। सवाल नंबर आठ, किस शख्स से हसद करना जायज है? आपके ऑप्शन हैं ए मालदार, बी बच्चे वाले से, सी हर नेमत वाले से, डी किसी से नहीं। सही जवाब है सी हर नेमत वाले से। सवाल नंबर नौ, वो कौन सी बुराई है जो करते दूसरे हैं लेकिन गुनाह आपको मिलता है? सही जवाब है ऐसी बुराई जिसकी आप दूसरों को तरगीब देते हैं या उस बुराई को करने में उनकी मदद करते हैं। सवाल नंबर दस, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात के वक्त किसके घर में थे? आपके ऑप्शन हैं ए हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, बी हज़रत आयशा बिनते अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सी हज़रत रिहाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा,
दी हज़रत सैयदा मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। सही जवाब है बी, हज़रत आयशा बिनते अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। सवाल नंबर 11, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले इस्लामी तरीके से सलाम किसको किया था? आपके ऑप्शन हैं ए हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, बी हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, सी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, डी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हो। सही जवाब है बी, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को। सवाल नंबर 12, शैतान इंसानी जिस्म के किस किस हिस्से में होता है? सही जवाब है, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से रिवायत है कि शैतान मर्द की तीन जगह पर रहता है, आंख, दिल और शर्मगाह। सवाल नंबर 13, वो कौन से तीन लोग हैं जिनकी दुआ हमेशा कबूल होती है? सही जवाब है मजलूम की, बाप की बेटे के हक में और मुसाफिर की। सवाल नंबर 14, वो कौन सा काम है जिसको इंसान सिर्फ मरने के बाद ही कर सकता है? सही जवाब है अपने आज़ा का अतिया। सवाल नंबर 15, इंसान के जिस्म का सबसे भूखा हिस्सा कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं ए दिमाग, बी बाजू, सी दिल, डी टांग। सही जवाब है ए दिमाग। सवाल नंबर 16, किस तरीके से खाने में 70 बीमारियों का इलाज है? सही जवाब है खाने को नमकीन चीज़ से शुरू करके नमकीन चीज़ पर ख़त्म करने से 70 बीमारियों की शिफा है। सवाल नंबर 17, क़यामत के दिन औरतों से सबसे पहले किस चीज़ का हिसाब होगा? आपके ऑप्शन हैं ए नमाज, बी रोज़ा, सी हज, डी हकूक। सही जवाब है ए नमाज। सवाल नंबर 18, कौन सा फल खाने से बच्चे खूबसूरत पैदा होते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए सेब, बी आम, सी अनार, डी अंगूर। सही जवाब है बी आम। सवाल नंबर 19, कौन सा जानदार आसमान से आने वाले फरिश्तों की आवाज़ सुनता है? आपके ऑप्शन हैं ए मुर्ग, बी कबूतर, सी बकरी, डी ऊंट। सही जवाब है ए मुर्ग। सवाल नंबर 20, लड़की की वो कौन सी चीज़ है जो शादी के बाद बढ़ जाती है? सही जवाब है जिम्मेदारी।
नाज़रीन, आपको इन तमाम सवालात में से कौन सा सवाल अच्छा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और ये मालूमाती तोहफा अपने दोस्तों को देने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ये तमाम सवालात मुस्तनद इस्लामी कुतुब से लिए गए हैं, अगर आपको हवाला दरकार हो तो आप तलब कर सकते हैं। जज़ाकअल्लाह खैरा।